मेरी चीजों का अभी भी फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ये बोल के बुलाया गया था कि आपके पैसों का सोल्यूशन होगा, आपको पैसा मिलेगा अभी भी, लेकिन मुझे फिलहाल यहाँ पर सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ मेरा कुछ सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे 8:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई है। प्लीज आप हाथ अपना हाथ खड़ा कर दो, कितने लोग हैं? ये पूरी टीम आई है और लाइबिलिटी की बात करें तो 38 लाख का हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम दोनों के ऊपर, और ये सारे वो है रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने हमारे भरोसे पे दिया था। वो सारे कितने सारे लोग हैं जो हमारे भरोसे पे लगाए थे, आज ये कहते हैं हमें नहीं जानते मितेश अग्रवाल कौन है, कंपनी कौन है, हम तुम दोनों को जानते हैं। अब बता दीजिए सर, इंजीनियर साहब सब है, हम इन सब का क्या करें? सर अनूप जी, सर हमें भी सर इंसाफ चाहिए था, तो सर हम यहाँ पर आए हैं, हम सर इंसाफ के लिए जो रहे तो लाइबिलिटीज में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कौन कौन इंसान है हमें यहाँ पे इतने दिनों से उल्लू बनाया जा रहा है, पहले आरएम सिंह ने उल्लू बनाया। सर मैं आपसे सर एक कंपनी है, हमारे शब्द का नाम लेना पे वाजिब नहीं होगा, लेकिन एक कंपनी था जो हमारे सीनियर से उस कंपनी को ज्वाइन किया, हमारी लाइबिलिटीज खत्म किए बगैर, हमने उस कंपनी में भी जाके उनसे प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, वहाँ पे गलत हरकतें भी हुई, गाली एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, वहाँ पे भी जाके हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया बिल्कुल भी। लेकिन अब हमें सिंपल सी बात है, हमें एक ही सोल्यूशन दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पैसे लेने हैं तो और पैसे लगाओ। अब यहाँ पे हम क्या बिल्कुल अपने कपड़े उतार के नंगे हो जाए उसके बाद ही हमें हमारे पैसे मिलेंगे? और हमारे जो भी ये सारे कर्जदार है, सारे यंगस्टर है, सब यही कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तुम दोनों से मतलब है। तो सारी चीजें सर पीछे इन चीजों से, सर पीछे मैं इस बात करने के बाद सर मैं एक बेकार इंसान बन जाऊंगा या विलेन बन जाऊंगा, मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पर सर मुझे सिर्फ एक साजिश नजर आती है कि ये जितने भी यहाँ पे सीनियर्स हैं, इन लोगों ने ये जो मोर्चा है जो बनाया जा रहा है यहाँ पे, जो दंगा फसाद यहाँ पे कराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम अपने सीनियर्स का पीछा छोड़ दें। अगर हमने अपने सीनियर्स का पीछा छोड़ दिया तो ये सब लोग अपनी दूसरी कंपनीज के अंदर रहेंगे। आज हम यहाँ पे बस में लटक के आए हैं, हम लोग हमारे पास किराया तक नहीं यहाँ पे आने का, बहुत सारे लोग यहाँ पे BMW ऑडी के अंदर भी आए दूसरी दूसरी स्टेट से, हमारे पास किराया तक नहीं पैसों में आने का, बसों के अंदर भी आने का, तो हमें वापस बस में लटक के जाना है। ये लोग BMW में भी जाएंगे, ऑडी में भी जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हर एक इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ऐसे कमाया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे करोड़ों रुपये चाहिए, मेरे पास 38 लाख रुपये का मेरे खुद के ऊपर है, मेरी उम्र 24 साल है सर, 24 साल की मेरी उम्र है, 38 लाख रुपये का मेरे ऊपर कर्जा है। बताइए सर क्या करें हम इस एज में, आप लोग तो आप लोगों का बिजनेस होगा कुछ भी होगा, बट हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम वो चीजें भाई किया। भाई आपकी तरह मैं भी दुखी हूँ, मगर आपने अभी एक बात जो बोली कि एक साजिश है कि ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अगर ये साजिश होती तो क्या ये आप बैठे होते? और मैं किसी बोल रहा भाई, किसी के छासे में लाए बार बार बोला हमारे पैसा खाए है तो इस सूरत के बच्चे ने खाया है, इस शराब चाचा ने खाया है, इस चीज के बच्चे ने खाया है, मैं अभी भी बोलता हूँ हमारे पैसा किसी ने खाया है, इस सूरत के बच्चे ने खाया है, ना कि इन लोगों ने खाया है, ये लोग बलात्कार हुए क्या? मैं जानता हूँ ये कितने दुखी है, कितने जले हुए, मारना है तो इसे मारो। मैं अभी भी बोलता हूँ अगर अभी आवाज अपनी बुलंद नहीं करोगे और इनके झांसे में आओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा सिवाय झमेले के। मैं चाहता हूँ हमारी लड़ाई फिर पर फिर एक आदमी से है, वह इस तुच्छे कमीने से, इस चोट से, और कुछ नहीं। जो मेरे ऊपर आरोप लगाएगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अपना फोन बंद करके बैठे होते, ये सिर्फ ये जो मितेश है ना इसको छोड़ना नहीं है, तू जितने लगा सकता है ना भाई, जितना जोर लगा सकता है ना अपना पीछे का तो लगा ले, तू जिसको भेज सकता है भेज ले, तेरे को साले छोड़ेंगे नहीं। ये बंदे आज भी अपने साथ खड़े हैं भाई, सुनो नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने शुरू की थी ना, मैं पिछले लगभग 8 साल से कर रहा हूँ, इन्हीं के साथ कर रहा हूँ, इन्हीं के साथ कर रहा हूँ। अगली कंपनी अगर मैंने की डायरेक्ट सेलिंग में, इन्हीं के साथ करूंगा। इसका कारण ये है, अगर ये धोखेबाज होते ना भाई आज अपने साथ ना खड़े होते। इन्होंने पैसा नहीं लगवाया, इन्होंने कौन सा किसी के पास प्रूफ है कि इन्होंने? सुन मेरी बात, ये जो पता क्या, बहुत लोग भाई तुम भी पीड़ित हो भाई, हम भी पीड़ित है, सभी पीड़ित है भाई, हम सभी पीड़ित है भाई, ठीक है ना, बहुत हम यहाँ पे ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आपको इतना नहीं पता ये लोग कितने सालों से हम यार हमारे साथ खड़े हुए हैं, एक हफ्ता इनको क्या पता है यार, एक हफ्ते से हमारे साथ खड़े हुए, कैसे क्या करना है भाई, बोल रहे हैं एक मिनट, सस्ता तो जाए
सब साथ हो जाए। भाई की बोलना सही है, ये बोल रहा है कि हमें तमन चलना है। भाई जिसने मार खाया था वो हाथ उठाए तमन में, जिसने मार खाया था वही आया हुआ है। सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाथ खड़ा करो अपना। किसने किया है मेमोरेंडम दे के चलेंगे तो हमारी बात कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगा, सरकार सुनेगी। हल्ला करने से अगर बात सुनी जाती तो कब के सुन चुके होते, क्योंकि हल्ला बहुत हो चुका है। आज ये लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई है, इसे साजिश ना समझे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ अनुप जी से दो शब्द रखे। जन प्रयोजन में वो सर शर्मिंदगी से झुका है। 8 साल पहले